सलाम अलैकुम दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप? ये मैं हूँ, मेरा बेटा तेजस। आज हम जा रहे हैं हेरिटेज विलेज रोवेस सिटी में। ये हेरिटेज विलेज बनाया हुआ है अरबी कल्चर को प्रॉपर वे में शो करने के लिए। तो उसके रास्ते में हमारा ये किड्स पार्क पड़ेगा और कुछ कोर्ट पड़ेंगे और ये एक क्लब पड़ता है राइट साइड आप देखिए, ये क्लब है, यहाँ हेल्थ क्लब है पूरा। यहाँ पे जिम वगैरह सभी कुछ है। और लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, यहाँ कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट एक्सेट्रा दिए हुए हैं। तो बच्चे लोग यहाँ एंजॉय करते हैं। इस समय थोड़ा सा बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10th एंड 12th के एग्ज़ाम हो रहे हैं और भी बच्चों का भी सेशन स्टार्ट हुआ है। तो ये कोर्ट अभी लगभग फ्री हैं, बट कुछ टाइम बाद ये कोर्ट में काफ़ी बच्चे भीड़ हो जाती है। ये इसके चारों तरफ का एरिया है, हेरिटेज विलेज का चारों तरफ का अराउंड एरिया है। तो आप सामने मेरे देख रहे हैं, सामने वाला वॉल जो है हेरिटेज विलेज का वॉल है, जिसमें कि क्या है, इन्होंने ये खजूर की लीव्स होती हैं लंबी लंबी, उससे पूरा वॉल बनाया हुआ है। तो आज अब हम हेरिटेज विलेज के अंदर आ गए हैं। यहाँ आज ईद का प्रोग्राम है, तो ईद के लिए यहाँ बड़े अच्छे तरीके से पार्क, बच्चों को इंजॉयमेंट के लिए सब कुछ अरेंज किया हुआ है। यहाँ अरब कंट्री में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, यूएई में मेनली, कि यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है एक एंजॉयमेंट के रूप में फॉलो किया जाता है। बच्चों को फुल एंजॉय, फुल रिफ्रेशमेंट, बच्चों की हॉलीडेज भी अच्छे खासे होते हैं इधर। तो यहाँ आप देखिए, ये बनाया हुआ है कोर्ट, बनाया हुआ है फूड कोर्ट है पूरा यहाँ। एक्चुअली हम लोग क्या है, मैं ये इवनिंग टाइम में आई हूँ, ये पूरा प्रॉपरली मैं इसका व्यू ले सकूँ, रात में इतना अच्छे प्रॉपर से ले नहीं पाएंगे। ओरिजिनली ये रात को स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम, अभी मैं केवल इसको एक ओवरव्यू पूरा वीडियो बनाने के लिए पहले लेके आई हूँ। इधर आप देखिए मेरे लेफ्ट साइड में, ये सामने टेंट है जो यहाँ का ओल्ड कल्चर है। ओल्ड कल्चर मीन्स यहाँ ये लोग मजलिस लगाते हैं और यहीं पर इन लोगों की मीटिंग, जैसे हमारे यहाँ मीटिंग होता है तो इसी टाइप से यहाँ लोग मीटिंग करते हैं, तो इसे मजलिस बोला जाता है, जहाँ ये लोग कलेक्ट होते हैं। दूसरी साइड आप ये देखिए, बोट है जो ओल्ड टाइम में यहाँ फिशिंग और पर्ल डाइविंग का काम होता था, तो ये इसके लिए ये बोट रिप्रेजेंट करने के लिए बोट लगाया हुआ है। इधर ये सामने स्टेज भी बनाया हुआ है, इधर ये बच्चों के रिक्रिएशन के लिए, ये क्लाइंबिंग के लिए, बच्चों को इंजॉय करने के लिए यहाँ स्पेशल अरेंज किया हुआ है ये बैलून और ये जंपिंग टाइप से, बच्चे जंप कर रहे हैं, बैलून कर रहे हैं कुछ स्मॉल। इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा इन्होंने रेंट भी रखा है कि पर बच्चे किड्स कितना इनको रेंट रखा है। लेफ्ट साइड फिर देखिए, आपको ये बोट दिखाई दे रही है जो कि ये ओल्ड टाइम में ये लोग फिशिंग के लिए यूज करते थे। इधर आपको ये जीप दिखाई देगी। तो यहाँ जो ओल्ड टाइमिंग में जो यहाँ का ओल्ड कल्चर था, उसको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश है पूरा। और नीचे आप देखिए, पूरा प्रॉपर सैंड दिया हुआ है, सैंड ड्यून टाइप से जो होता है उस टाइप से है। और पूरे एरिया में, ये तो मिडिल में इन्होंने बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेन करने के लिए बनाया है, लेकिन चारों तरफ ये देखिए ये स्टॉल बने हुए हैं। यहाँ पे सभी कंट्री के लोग अपने अपने कंट्री से रिलेटेड कुछ भी स्टॉल लगाएंगे और उसमें उनको सेल करना है तो वो सेल कर सकते हैं, या फिर ओनली एग्जीबिशन के भी लगा सकते हैं। तो अब ये रात का मैं आपको दिखाने वाली हूँ, रात में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, बच्चे लोग आ रहे हैं अंदर और हम लोग भी अब अंदर जाने वाले हैं। तो देखते हैं अंदर अब लाइटिंग के बाद यहाँ क्या
आउटर एरिया है, हम लोग विलेज के बाहर निकल के आ गए, तो वहाँ ये ट्रक होते हैं ना, फूड कोर्ट, फूड ट्रक, तो कंटिन्यू आगे इन्होंने कई सारे फूड ट्रक हैं, तो जिसको जिस टाइप की चीज़ें पसंद है, तो जब यहाँ रात को स्टार्ट होगा तो यहाँ काफ़ी रश हो जाएगा, तो छोटे छोटे सी टाइप से फूड ट्रक ये कॉमन है इधर, फूड ट्रक जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, तो जैसे अपने यहाँ ठेला लगता है उसी टाइप से यहाँ फूड ट्रक लगा दिया जाता है। आजकल तो अपने यहाँ भी शहरों में फूड ट्रक हर जगह कॉमन बात हो गई है। तो चलिए हमारी विजिट पूरी हुई और अपने घर चलते हैं। बाय, सी यू अगेन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप और भी कुछ अरेबिक कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझसे मिलते रहिए अगेन।